नामकुम थाना क्षेत्र के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि मामला लूट से जुड़ा हुआ है, जहां सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक रविंद्र कुमार के यहां काम करने वाला चंदन नामक व्यक्ति लूट का मुख्य आरोपी है। वहीं आपको बताते चले कि बीते 26 अप्रैल को नामकुम बाजार के नजदीक दो व्यक्तियों ने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताते हुए हाइवा गाड़ी की कागजात की मांग की। चालक के द्वारा कागजात दिखाने पर फर्जी कागज बोल 50,000 रुपए की डिमांड की गई। वहीं मालिक से बात कराने के बाद मालिक से गाली गलौज किया गया और चालक से 25,000 रुपए लूट ली गई। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल ने गुरुवार को आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक SBBL 12 बोर का गन, घटना में प्रयुक्त हुए बोलेरो गाड़ी सहित अन्य सामान मिले हैं। हालांकि दोनों आरोपियों चंदन सिंह और अनिल कुमार यादव को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। वहीं छापेमारी दल में मुमल राजपुर रोहित, सहायक पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार तिवारी, मनोज कुमार सहित नामकुम थाना क्षेत्र के सशस्त्र बल शामिल थे। टीम का गठन ग्रामीण SP नौसाद आलम के निर्देशन में किया गया था। इसके वेशभूषा में कभी थाना प्रभारी का रूप धारण करना या बताना कि थाना प्रभारी हैं, कभी जो है सो पेट्रोलिंग पार्टी हैं, और वर्दी पहन के खास तौर से कैमोफ्लाई यूज करके और गन बड़ा सा रख के ट्रक बालू गाड़ी हो, चाहे ये स्टोन चिप्स का हो या और भी दूसरी छोटी वाहन सब जाती है जो आजकल अभी काम चल रहा है, उन लोगों को डिटेन करता था लोग, और उसके बाद ज़बरदस्ती उससे पैसा लगा। अगर वो नहीं हुआ तो जहाँ तहाँ बालू ले जाकर गिरवा देता था और मारपीट के भगा देता था। इस ढंग से कई शिकायतें आई थी, इसका सत्यापन आवश्यक करवाई के हमने ASP मोमल राजपुरोहित को हमने अधिकृत किया था, चूँकि अभी वो ही देख रही हैं। उन्होंने लोकल सब इंस्पेक्टर के माध्यम से जब ये रेड करवाया तो दो लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से चंदन सिंह और अनिल कुमार यादव। चंदन सिंह बिहार के रहने वाले हैं पीरो के, और अनिल तो यहीं हम लोगों को चाय बगान जो है एरिया वहाँ के रहने वाले। इन लोगों के पास से, चंदन के पास से ये SBBL गन आपको मिला है, देख रहे हैं बिल्कुल फंक्शनल है और रेगुलर है। ये वर्दी के कैमोफ्लाइज ड्रेस का ये स्विच किया गया है, और फिर वहाँ पर इनके पास से 17,500 रुपया कैश भी मिला है। चूँकि जिस जो सूचना मिली थी, जीवन सिंह मुंडा ने यह आरोप लगाया था कि मेरे ट्रक में ड्राइवर था, उसको मारपीट करके लोगों ने 25,000 रुपया ले लिया। मेरे से बात भी करवाया तो हम बोले कि भैया आप कौन हैं, हमको सही से तो बताइए, लेकिन पैसा छीन के लोग भाग गया, तब ये थाना पर इंटीमेशन दिया गया। न्यूज विंग के लिए रांची से चंदन राजपूत की रिपोर्ट। टफन XT600 HCR TNT रिबा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।